पिछले 1.5 सालों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली संस्था सामाजिक न्याय की युवा शक्ति शैक्षिक चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन महादेवा रोड स्थित शिक्षक कॉलोनी में बड़े पैमाने पर किया गया। इस मौके पर संस्था में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत ज्योति देवी ने अपने हाथों से फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर संस्था के लोगों ने बताया कि हमारी संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, लेकिन आज से इस दिशा में हमने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए कार्यालय की शुरुआत कर दी है, जहां पहुंचकर लोग सीधे हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगले महीने संस्था द्वारा दरौली में बड़े लेवल पर एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की मदद की जाएगी। सुनिए सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि इस संगठन के माध्यम से जो गरीब लोग होंगे, जो असहाय लोग होंगे, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं को मतलब मदद करना है। क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी उन लोगों के लिए? जिसका उन लोगों को ज़रूरत होगा वो किया जाएगा। इसके पहले भी इन्होंने कई बार समाज सेवा किया है, आज ट्रस्ट बन गया, तो क्या लगता है अब बढ़ चढ़ के अब काम किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। क्या मनोभाव है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं, हम आपके दर्शकों को मैं अपने संगठन के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और सबको प्रणाम करता हूं, सारे दर्शकों को। अभी आप जैसे पूछे हैं कि नया सफ़र है, सफ़र तो हम लोग लगातार लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन संस्थागत तौर पे हमारा कोई ऑफिस नहीं था, अब ये ऑफिस खुल गया है, हमारा संगठन रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम लोग जो कार्य जितना स्लो चल रहा था, अब हमारे कार्य में समझिए कि अब सुपर फास्ट स्पीड पकड़ेगा समाज सेवा के लिए। एक सवाल रहेगा, जनता जब भी इस तरीके की संस्था खुलती है तो जो जरूरतमंद लोग हैं बड़ी उम्मीद से देखते हैं ऐसी संस्थाओं को, और कई बार उनको जो है निराशा हाथ लगती है, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है, जो जरूरतमंद हैं यह संगठन उनमें एक अलग टाइप का विश्वास पैदा करने का प्रयास कर रही है। जो बहुत जगह जो ठगे गए, अपने को दबे कुचले, जो असहाय समझ रहे हैं, यह संगठन वो उन लोग आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है समाज हित के लिए निरंतर तत्पर रहेगा, और हमारे संगठन से जितने लोग भी जुड़ेंगे वो कभी भी निराशा उनको हाथ नहीं लगेगी। में चूंकि शिक्षा की बात की गई है, तो शिक्षा के लेके क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत पहले से जो समाज में गरीब तबके के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जिनके बच्चे मान लीजिए कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा के लिए आधे अधूरे रास्ते में से वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनको हम लोग समाज में सर्वे करके उन लोगों को निकाल के लाते हैं, और फिर उस समाज के उन बच्चों को आर्थिक मदद करके या जिस तरीके का उनको सहयोग का जरूरत पड़ा, हम लोग मदद करके उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को उच्च शिक्षा में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। मेरा नाम राजकिशोर राजभर है। इस संगठन के माध्यम से नवम्बर में दरौली के मैंने फील्ड में अति पिछड़ा बहुत भारी सम्मेलन होने जा रहा है। क्या होगा उस सम्मेलन में, मैंने क्या होने वाला है समाज? इस संगठन के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, गरीबों को उसमें जो लाभ है वो दिया जाएगा। गरीब बेटियों की आप लोग शादी करवाते रहे हैं, बाकायदा इसके लिए जीरादेही के आसपास आपका प्रोग्राम भी हुआ था जी, क्या वो चीज भी यहाँ से कंटिन्यू रहेगा? उससे ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा। लगभग 2 साल पहले से हम लोगों ने क्रिकेट के मैच हो या समाज में बहुत सारा काम जो लगातार करते आ रहे हैं, कुछ बेटियों का शादी में हम लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की भी आवश्यकता है, उन लोगों को भी हम लोग 2 साल से निरंतर मदद करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास कोई ऑफिस नहीं था कि जहाँ लोग अपने स्वेच्छा से अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु पहुँचे। अब हम लोग का एक ऑफिस खुल गया है, अब हमारा जो संस्था है ठीक नियत समय से जिसको जब ज़रूरत पड़ेगा हम अपने ऑफिस के माध्यम से उनको सही समय पर
सारी सुविधाओं का उपलब्ध कराएंगे, ये हमारे संस्था का मूल उद्देश्य है। आधिकारिक एड्रेस क्या है यहाँ का पता? ये शिक्षक कॉलोनी महादेवा ओपी थाने के बगल में है। कोई नंबर बता दीजिए, संपर्क कर सकते? मोबाइल नंबर भी है सब, हम लोग कार्ड वगैरह भी छपवा दिए हैं, सब इशू कर देंगे।